एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि दो अक्षरों से मिलकर बना है एक शब्द घर। घर वो नहीं होता जहां चार दीवारें, एक छत या दो चार दरवाजे और खिड़कियां हों। घर वो होता है जहां प्यार की ठंडक हो, रिश्तों की गर्माहट हो, खुशियों की बरसात हो। घर वो होता है जहां मर्यादाओं का पालन हो, कर्तव्य की डोर से आपसी रिश्ते बंधे हों और जिसकी दीवारें अनुशासन से बनी हों, जहां हर सदस्य घर की इज्जत, प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, उसी जगह का नाम होता है घर। एक आदर्श घर वही है जो हर दिल में घर कर जाए। कभी कभी सोचता हूं कितना अनोखा होता है बेटियों का संसार। जहां जन्मती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, वहीं से जड़ें समेट कर कहीं और पनपने के लिए चली जाती हैं। उनका अपना घर पराया हो जाता है और वे पराए घर की मालकिनें बन जाती हैं। बेटी का पिता चाहे विदेश में बसा कोई बड़ा उद्योगपति हो, चाहे मुझ जैसा मधुपुर का एक छोटा सा व्यापारी, दोनों की नियति एक जैसी ही तो है। अपनी लाडली को नाजों से पालना, आशीर्वादों से सींचना और एक दिन ब्याह कर विदा कर देना। पर कुछ भी हो, बेटियां तो बेटियां हैं। बेटी का कन्यादान तो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जब बेटी जेवर गहने पहनकर दुल्हन के लिबास में सामने आ जाती है, मन आत्मविभोर हो। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही
इस दिल में।